सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लोन फूड ट्रैवलर। और इसी के साथ आज दिन है 20 अप्रैल और हम जा रहे हैं अमरकंटक की राइड में। और मैं, सन्नी और बाकी जो आगे आगे आते जाएगा उनसे भी आपको मैं मिलाते जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको सन्नी की बाइक चेक कराता हूँ। सो गाइस, इसी के साथ देखो, ये है सन्नी की एक्सपल्स हीरो की बाइक है और कितनी सुंदर लग रही है, मस्त। सन्नी अभी चला के है ना, एकदम क्यूट लग रहा था इसमें। और साथ ही साथ ये देखो, जो पीछे से इसने निकाला है नंबर प्लेट मडगार्ड, ये और अच्छा लुक दे रहा है। और साथ ही साथ इसकी बाइक में ना दो प्रकार की लाइटें हैं, ये देखो, ये डिपर में येलो जलती है और अपर में अपनी वाइट वाली। ये बहुत ही ज़्यादा फोकस वाली लाइट है। ये वाली लाइट तो आप देखी होगी, अगर किसी को लगवानी है तो ऐसे स्पेशल एंगल बनवा के लगा सकता है। बाकी हाँ जी, फिर चलिए, सनी इंस्पेक्शन देख रहा है मेरे गोप्रो के सेटअप की, क्या सिस्टम जमाया है। मतलब थोड़ा हम भी व्लॉग बनाएंगे तो अपन भी करेंगे चैनल बेटा। जरूर जरूर, ऑल द बेस्ट सनी मेरे भाई, जरूर करो। तो रास्ते में मिलो। मिले कितने? मिले इकट्ठे ही जाना है। सो गाइस, ये देखो, यहाँ पे घूम रहा है मेंढक। ओह माय गॉड, ये रहे हमारे लीडर साहब। और ये चलेंगे आगे आगे, इनके पीछे हम चलेंगे, मीट फूडी पाजी। और ये इनकी बाइक मीटियोर 360। सो गाइस, ये देखो, ये अपना सेटअप है गोप्रो वाला भाई। ये पीछे देख रहे हो, मैं तड़क भड़क, एक व्लॉगिंग करने के लिए ना बहुत तड़क भड़क लगता है जो सब किया हुआ है। तो ये बीच में अपने मन्नू भाई भी करेंगे ये वाली व्लॉगिंग, और हम भी करेंगे, और जिसको लगेगा वो करेगा। ये देखो भाई, हो गई गोल्ड स्टार्ट हमारी। लाइटें चेक कराओ, लाइटें दूजी वाली लाओ, दूजी। ये देखो गाइस, असली असली जलवा तो ये है, लाइट हाउस बना दिया यहाँ पे। भैया बस्ती में लाइट नहीं जा रही, थोड़ा सूरज नहीं आया तो इसी जला दो ना। येलो लाइट जलाई, येलो लाइट ये चालू कर दे। ये कैसे, देखो बस्ती में सूरज निकल गया है, लोग उठने वाले हैं। सो गाइस, इसी के साथ देखो सुबह होने लग गई है और फाइनली अब निकलेंगे। और ये बहुत अच्छा टाइम है अभी गोप्रो लगाने का, तो अब हम निकलेंगे तो सीधा गोप्रो का सेटअप लगा के ही निकलेंगे। और टाइगर का वेट चल रहा है, टाइगर जैसे ही आ जाएगा देन हम लोग गुड टू गो हैं, क्योंकि उसका पता ही था लेट होना ही होना है। बाकी बाइक चेक करो ये वाली आप। तो देखो भाई, बाइक लगती है ना मीटियोर 360। सन्नी बोर हो रहा है, सन्नी को ऐसा क्या तैयार करा दिया सुबह सुबह, लोग जाते आते हैं नहीं क्यों सन्नी? छोटा सा सीन हो गया, मैं अपना ग्लव्स भूल के आ गया हूँ घर में। मेरे को कब से लग रहा था मैं कुछ भूल गया हूँ, बट फिर समझ में आया यार मैं तो अपना ग्लव्स ही भूल गया, तो जल्दी से ग्लव्स लेके आता हूँ। और इन लोग वेट कर रहे हैं। सो कॉल्ड वेदर आज बहुत अच्छा है, थोड़ा कोल्ड में है, ज़्यादा हीट नहीं होएगा। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी तो पता लगेगा 8-9 बजे कि वेदर क्या रिपोर्ट देता है, कोल्ड रहेगा आगे या हीट करेगा। बाकी जो भी है, जल्दी से ग्लव्स लेते हैं भाई। सो गाइस, इसी के साथ देखो फाइनली अपने ग्लव्स ले लिए हमने, अब निकलते हैं। और ओके, सो गाइस, इसी के साथ ये देखो भाई, ये रहे अपने राइडर, और अपने राइडर हो गए रेडी और सबकी फोटोज ली जा रही है वहाँ पे। और मेरा वेट था, आ गया मैं, थर्ड नंबर में रहेगा, ठीक है। ओके, सो मेरा पोजीशन थर्ड नंबर की है। चलो चलो चलो, सब ये फॉर्मेशन में चलना है अपने को, 1 2 3 और पीछे रह रहा है टाइगर। और हम निकल चुके हैं, ये देखो, ये लुक की बात कर रहा था मैं, सन्नी की बाइक है वो, कितनी क्यूट लग रही पीछे से। फाइनली फर्स्ट स्टॉप ले लिया, देखो राजधानी ढाबा, फैमिली ढाबा, ये हरनिंदर वीर जी का घर है और यहाँ हम रुक गए हैं। तो इसी के साथ इनका डॉगी आ गया यहाँ पे, क्यूटू सा, जो मुझे देख के भौंके ना, और वो हरनिंदर वीर जी। और यहाँ से आगे निकलेंगे। सो गाइस, इसी के साथ फाइनली एक स्टॉप लिया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी वॉशरूम और समथिंग। और ये अपने सारे सिंह ने, सन्नी, रवनवीर जी और टाइगर। मेरा पहले का माइक निकल गया था तो शायद वीडियो रिकॉर्ड ना हो रहा है, हरिंदर वीर जी उधर हैं, तो जल्दी से वॉशरूम कर लेते हैं, अब आए हमें तो 2 सेकंड लगेगा। सो चले चले शौचालय, बस वो देखो फाइनली हो गए फ्यूल अप और चलते हैं आगे। टाइगर जी ठीक हो? ऑल गुड ऑल गुड। ओ वीर जी करा रहे फोटो शूट, बच्चा देखो उनकी बाइक देख रहे हैं, गाँव वाले भी देख रहे हैं सबके सब। ये वीर जी बहुत क्यूट लग रहे हैं, बाइक खलौती अभी बका सा रहे हैं वीर जी, बाइक तो खर्चा कितना। लेट्स गो लेट्स गो, सन्नी मस्त इंजॉय कर रहा है। सन्नी की बाइक यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है,
खड्डों में मक्खन की तरह ऐसे ऐसे होती है ऐसे ऐसे, और वीर जी की जो मीटियर है वो कंफर्टेबल बहुत है। सो गाइस इसी के साथ देखो हवा भराने के लिए रुके हुए हैं भाई, छोटा सा स्टॉप, दो गाड़ी में भर गई, इसमें भरेगी मेरे में मेरी बारी। तो गाइस इसी के साथ देखो पहला स्टॉप लिया क्योंकि सन्नी को ना भूख लग रही थी, सन्नी कुछ खा के नहीं आया था, तो सन्नी अब यहाँ से कुछ खाने को लेगा। और हम लोग का प्लान है कि हम लोग आगे रतनपुर में जाके कुछ खाएंगे, मन्नू भाई बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा खाने को तो वहीं रुकेंगे। बाकी भाई राइड में बहुत मज़ा आ रहा है। टाइगर जी आप ठीक हो? ऑल गुड। तो गाइस इसी के साथ फाइनली हम लोग लिए सेकंड स्टॉप और मैंने चेंज कर लिया अपने गोप्रो का सेटअप क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है ना, तो मैं ये वाली शील्ड लगा लिया हूँ और कैमरा भी फिक्स हो गया, बैटरी भी चेंज हो गई है, अब अनदर 100 किलोमीटर चलेगी बैटरी और उसके बाद हम घाट में चेंज करेंगे अपनी लास्ट बैटरी। उससे पहले फिर से रुके नाश्ता करने के लिए, हम पानी पियेंगे। हमारे ग्रुप में कोई टैलेंट है, टाइगर नहीं टलता हमारा। जी टाइगर जी चलिए फिर वापस सड़का थे। सो गाइस सबको बेस्ट आइडिया बताता हूँ, टाइगर ने अपनी बाइक में 6000 रुपये का खर्चा किया है। मैं 6000 डॉलर कह रहा थी, 6000 रुपये का खर्चा किया भाई इस राइड के लिए। और बाकी देख लो ये इन लोगों को बड़ी जल्दी है ना, भाग जाते बंदे अपने। सो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पूरा हो चुका है, कुछ देर और फिर हम अमरकंटक पहुँच जाएंगे 2-3 घंटे में। यहाँ से हम जाएंगे रतनपुर से बिलासपुर वाली रोड लेके, फिर घाट चालू हो जाएगा, फिर भी हम घाट में बढ़िया तरीके से ड्राइव करेंगे, व्लॉग बनाएंगे और फिर चलेंगे अमरकंटक। हाँ जी व्लॉग वीर बनाऊंगा, एक नंबर। फिर आगे कैमरा टाइगर को दे देंगे, सेटअप पूरा देना पड़ेगा उसको, आप देखेंगे वो कैसे करना है आगे। चलो सब्सक्राइबर। इसी के साथ ये देखो ये नज़ारा, देखो ये व्यू, देखो जंगल आना स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब हम घाट के बहुत करीब हैं। सो गाइस लेट्स गो, हम जा रहे हैं फाइनली घाटी में और अभी का कोई सीन है नहीं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इतने अच्छे अच्छे सीन नहीं है, मगर जो घाटी का आधे घंटे बाद तो घाट पर पहुंचेंगे ना मेन वाली, लाइक थोड़ा सा ऊपर सरफेस लेवल से, फिर वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। बस इसी के साथ देखो ये ना बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, और ये घाट का जो आ गया ना ये उसी का बहुत पुराना मंदिर है शिव जी का, ऊपर आ चुके हैं और यहाँ ऊपर और जाना है, तो ऐसे घूम घूम के जाना पड़ेगा हमको। तो भाई व्लॉगिंग के चक्कर में ऑफ रोड आ गया मैं, बट कोई नहीं, स्टे ट्यून, आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। देखो अब यहाँ ऊपर आते जा रहे हैं ना, तो यहाँ ऐसे मंदिर बहुत सारे हैं और ये अपना टाइगर भाई भगा रहा है फुल अपनी पल्सर 220 को, भाई ने इसमें बहुत खर्चा किया है जो। अरे लो आप घाट में गैया माता क्या कर रही है, हमें अभी 55 किलोमीटर और ऊपर जाना है, तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, 1.5 घंटा लगेगा शायद, इसके बाद हम अमरकंटक फाइनली पहुंच ही जाएंगे। सो गाइस इसी के साथ एक और स्टॉप लिए हैं 2 मिनट कमर सीधी करने के लिए, क्योंकि ये हमारे हरविंदर वीर जी की रिक्वेस्ट थी, तो जल्दी से फिर वापस चलते हैं। ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, कितना हो गया 30 किलोमीटर कुछ होगा यहाँ से, ये देखो बंदर अंदर भी घूम रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस ये देखो अमरकंटक में ना रेल पटरी बन रही है, अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन और है, पहले से थी अब उसको और रेनोवेट कर रहे हैं शायद, आई गेस थर्ड लाइन बना रहे हैं, यस हाँ थर्ड या चौथी लाइन बना रहे हैं। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा, यहीं से कटिंग होगी, कितना काटना है कितना रखना है सब कुछ, बाकी जो भी है भाई 33 किलोमीटर और रह गया, 33 किलोमीटर के बाद हमको देखने हम चल देंगे गुरुद्वारा साहिब। सो भाई इसी के साथ हम फाइनली पहुंच गए केवची, और वीर जी अगर व्लॉग में आना चाहें तो बहुत बहुत थैंक यू, वीर जी व्लॉग में आ गए हैं, हरमिंदर वीर जी
और साथ ही साथ अपने रमनदीप वीरजी, वीरजी कुलचे वाले के मालिक है ना, ये देख लो आप चेहरे ये है सन्नी और ये है टाइगर, ये थोड़े स्लो है, अभी हैंग हो गया है गर्मी बहुत है ना, टाइगर थोड़ा हैंग चल रहा है। बाकी अब जल्दी से यहाँ पे ठंडा ठंडा पीते और सीधा निकलते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है, 20-25 किलोमीटर बस बचा है। रास्ते में दिखाते हैं और शेर भालू चीते। क्या दिखाते हैं रास्ते में? तो आप तो चूहा है सारे। तो अकाल विजय भी फन मोड में आ गए हैं लस्सी पीने के बाद, क्योंकि इनका दिल को मिली है ठंडक। और बाकी सन्नी इधर है और ये टाइगर विजी का है, ये विजी जहाँ आते हैं ना गायब हो जाते हैं। कहाँ से बस ये देखो, ये है कालवीर जी, जो बहुत लोग पूछते थे ना कौन है, यही है धमना में इनका ढाबा है। और ढाबे का रेट इतना सस्ता है, 90 रुपीज में हाफ प्लेट चिकन करी। क्या भाई, जरूर जाओ। सच बोल रहे हो? भैया आपका नाम क्या था ढाबे का? दशमेश ढाबा। तो गाइस राजधानी ढाबा है धमना में, जरूर जाओ, ये वीर जी वहीं पे आपको मिलेंगे। अगर ये वहाँ नहीं मिले ना तो ये फिर इनकी दुकान में मिलेंगे। इनके दो ही तो आप देख लो, जाओ जरूर जाओ, ट्राई करो। वो सन्नी छोड़ा, पहली बार फ्री की चीज छोड़ा है। तो बस फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं अपने सेकंड ब्रेक लेके, लस्सी पीने रुके थे, लस्सी पी ली है। और हाँ, इन लोग मेरे को ब्लॉग नहीं बनाने दे रहे थे यहाँ पे, इतनी मस्ती के लोग मजा मस्ती करी जा रहे हैं। तो ये देखो, ये पूरा जंगल एरिया स्टार्ट हो गया है अब यहाँ से। और एक और दूसरा रास्ता जाता था यहाँ से कम 5 किलोमीटर में एक नदी है, तो वो ना नदी बंद कर दी गई है अभी, क्योंकि वहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं, शेर वेर टाइगर है ना जो, वो वहाँ आता है पानी पीने। तो उनसे पूछे कि हम जा सकते हैं, बोले जा तो सकते हैं बट परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे आगे जाके। और ये देखो, ये कोई मंदिर है बहुत फेमस यहाँ का, आई गेस लव तो बहुत पुराना रहा है और यहीं पे घर बनाए हुए हैं। देखो क्या बड़े बड़े पेड़ है, कितने हजार साल पुराने पेड़ होंगे ये सोच लो आप। ओ, एक एक मंजिल, दो दो मंजिल तक, तीन तीन मंजिल तक पेड़ है यहाँ पे। और भाई जबरदस्त सीन है ये अपने रमन वीर जी और कबीर चबूतरा 500 मीटर है, ये कल आएंगे हम लोग घूमने। और अमरकंटक के गुरुद्वारा साहब चलते हैं हम सीधा। और भाई देखो यहाँ पे डॉगी है और बंदर भी, यहाँ पे बहुत बंदर है, अब यहाँ से बंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बंदर है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये देखो इन लोग कितने बंदर है, बंदर के बच्चे देखो, छोटे छोटे भाई, ये छोटा सा बच्चा देखो। अमरकंटक एंटर हो रहे हैं यहाँ से, ये हम हो गए अमरकंटक एंटर, है यहाँ से अमरकंटक चालू है, पहाड़ों वाला सीन सब खत्म। और गुरुद्वारे से बस हम 3 या 4 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट की दूरी में होंगे। तो ये गांव बसा हुआ है, यहाँ पे एक तालाब सा है, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। और गुरुद्वारा यहाँ से बहुत पास में, मैं बहुत साल बाद आया हूँ, 6-7 साल बाद, कनाडा से 6 साल बाद आया हूँ, तो अमरकंटक 2 साल पहले 8 साल बाद आया हूँ आई गेस मैं यहाँ पे। हाई व्यू चेक करो, हाई व्यू चेक करो, क्या वर्थ टू वॉच व्यू है हाई, इतनी सुंदर जगह है ना, ये एक बार जरूर आना लाइफ में। टाइगर को इतनी जल्दी है ना, टाइगर की वीडियो बनाता मैं, बट टाइगर को बहुत ज़्यादा जाने की जल्दी है इसलिए भगा रहा है गाड़ी। आपको मैं यहाँ से पूरी अमरकंटक की सिटी दिखा रहा हूँ ताकि आप आओ तो आपको पता रहे हम लोग कहाँ से कहाँ कहाँ गए थे, रास्ता मेरी वीडियो देख के भी आ सकते हो। बाकी ये बंदे अपने आगे निकल गए, इनको मैं चेस करता हूँ छल से जल्द। भाई ये व्यू देखो, भाई ये वाला व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है ना। ये देखो अमरकंटक का मार्केट है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप से है। और ये गुरुद्वारा साहिब, हम आ गए भाई, ये है गुरुद्वारा साहिब अमरकंटक का।
सो गाइस ये आप व्यू देख लो, ये वाला पूरा व्यू है अमरकंटक का। और फाइनली हम गुरुद्वारे साहब आ चुके हैं। अब जल्द से जल्द अपनी गाड़ी रखते हैं और यहाँ बैठे हैं सारे अंकल लोग सीलिंग करते हुए। ये अपनी पालकी साहब। सो गाइस ये गुरुद्वारा साहब चेक करो, कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी शाइनिंग है, अभी नगर कीर्तन निकलेगा, पालकी साहब सज रही है वहाँ पे, फिर हम लोग आपको नगर कीर्तन में भी लेके जाएंगे। इससे पहले भाई शावर लेना है, तैयार होना है। और वो देखो ऊपर में राज पप्पू और सब लोग हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और जल्दी से हम लोग फ्रेश फ्रेश होते हैं और आपको फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी सबकी हालत ख़राब है भाई। 6 घंटे से ड्राइव कर रहे, गर्मी भी बहुत थी। तो वीर जी आप कुछ बोल दो, वीर जी आपके बोलने के लिए सुनने के लिए, मतलब भाई हमारा फॉलोइंग।